नमस्कार, अपने न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर उच्च अदालत स्थापना होब के अर्थ जनकपुर प्रदेश के राजधानी हाथ संकेत रहल। उप प्रधानमंत्री नीति के कहब। जनकपुर स्थित बस पार्क नजदीक टिपरा के ठक्कर से एक गोटे की मृत्यु। टिपरा के चालक प्रमोद यादव नियंत्रण में। मोरंग के विराटनगर सड़क खंड में स्कूटर मोटरसाइकिल ठुकराल। एक गोटे की मृत्यु, चार गोटे घायल। कांग्रेस केंद्रीय समिति के विचार बजाओ, पौधे समूह के मांग। आज सीरिया के मुख्य शहर एलेप्पो में भेल हवाई आक्रमण के कारण 20 लाख व्यक्ति पानी से वंचित। अब समाचार विस्तार से। उप प्रधान एवं गृह मंत्री वीरेंद्र निधि जनकपुर में उच्च अदालत स्थापना होब के अर्थ जनकपुर प्रदेश के राजधानी हाथ संकेत रहल बतौलने। जनकपुर में आयोजित एक समारोह के संबोधन करते मंत्री निधि एहन बतौने तथापि जनकपुरवासी निश्चिंत भक रह ओ बतौलन। ओ जनकपुर के भावी राजधानी बनाबक लेल जनकपुर में उच्च अदालत राखल गेल बतौलन, मुदा राजनीति में जे भेला हो सकत है ताहि से जनकपुरवासी अपन अपन तरीका से सब पक्ष ऊपर ओ के लेल दबाव बनाब आ लॉबिंग कर जरूरी रहल बतौने। आज दिल्ली उच्च अदालत ओहिठाम अबै छै जेठाम अहाँके प्रदेश के राजधानी होइ छै, से अखन संभावना भऽ गेल। ओ जनकपुरक राजधानी बनाब आवश्यक होबय वाला सड़क, होटल, भवन सभक लेल सेहो संबंधित निकाय के पहल करय पड़त आ जनकपुरवासी के सेहो एहि के लेल सकारात्मक कदम उठाबय जरूरी रहल बतौलनि। मंत्री निधि संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करबाक काज अंतिम चरण में रहल सेहो बतौने छलाह। मंत्री निधि संशोधन बिना चुनाव असंभव रहला के कारण संशोधन के प्रक्रिया अटका कर देश के अनिर्णय के बंदी होबय से बचाव सब दल के पहल करय पड़त बतौलनि। देशवासी के तेल संविधान में संशोधन तत्काल संविधान के सबके लिए सुकायोग बना कर तीन टा निर्वाचन 16-17 महीना में सम्पन्न करा कर नेपाल के एक नया आधुनिक नेपाल राजनीतिक हिसाब से हम सब मनाब जा रहा है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक नेपाल, वही संघीय गणतंत्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के निर्माण में सेहो हमरा सबके अहाँके साथ के जरूरत है। आई में आप कोनो आंदोलन के जरूरत नहीं है, बल्कि संविधान के संशोधन और निर्वाचन के कार्यान्वयन केनाइ जरूरी है। आई में सबके लागू से हमरा सबसे आग्रह है। 16 महीना में 3 तहक निर्वाचन कर सहज नहीं रहल कहत निधि। एखनो संविधान संशोधन होब नहीं देव कह कहवला संविधान कार्यान्वयन होब नहीं सकत बतौलन। ओ संविधान संशोधन के लिए एमाले सेहो सहमति में आयल में स्वयं आशावादी रहल बतौने छले। रविदिन जिला के कपिलेश्वर अफुलगामा में पुलिस चौकी के उद्घाटन केने ओ रवि दिने मैथिली विकास कोष के पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम में शरीक भेल छलाह। सोम दिन बर्दिवास में आयोजन होब वाला एक कार्यक्रम में सहभागी भ क हुनक बेरिया के काठमांडू घूर के कार्यक्रम रहल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रमुख देश के दूतावास में संगीत, कला, साहित्य तथा नाट्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राखत बतौलने। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के रवि दिन राजधानी में नव प्राज्ञ सभा के संबोधन करते प्रधानमंत्री दहाल नेपाल के संगीत आ संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा महत्व के विश्व समक्ष पहुँचाबक लेल प्रमुख देशक नेपाली दूतावास में संगीत क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राख के व्यवस्था करबाक आश्वासन दिलन। राजनीतिक आ साहित्य कला फरक देखल गेल हो तो ओतबे महत्वपूर्ण भूमिका रहला से समान रूप में कला साहित्य क्षेत्र के सेहो दूतावास में प्रतिनिधित्व कराओत बतौलन। हाम्रो संगीत कला साहित्यलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर पनि मलाई सुझाव भनिएको छ। मैले अहिले नै पुरै के गर्न सकिन्छ त भन्न सक्दिनँ, तर यो पक्षमा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट इनिसिएटिभ लिने र अरू नभए पनि प्रमुख प्रमुख देशहरूमा चाहिँ सङ्गीत कला साहित्यको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि चाहिँ दूतावासमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संरक्षक सेहो रहल प्रधानमंत्री दहाल प्रतिष्ठान के भवन तथा
अलगे पूर्वाधार निर्माणक लेल पहल करबाक आश्वासन सेहो देने छलाह। हामीले जति प्रगति गर्नुपर्थ्यो त्यति सकिएको छैन भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको रूपमा र यसको संरक्षकको हैसियतले यसको अलगै भवन बनाउने या यो भौतिक पूर्वाधारको निम्ति मेरो तर्फबाट गम्भीर पहल गर्ने विश्वास म तपाईँलाई गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम प्रतिष्ठानक उपकुलपति शम्भुजीत बास्कोटा देशके सांस्कृतिक महत्व जगेरामे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने सांस्कृतिक कर्मी सबके स्वास्थ्य इलाज के व्यवस्था कर आग्रह केने छलथि। ओ कला प्रेमी तथा प्राज्ञ सबक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कर वाला राष्ट्रीय भ्रमण में समावेश कर के संगे विभिन्न देशक दूतावास में प्रतिनिधित्व कराब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। नेपालमा संगीत तथा नाट्य क्षेत्रमा जीवन अर्पण गर्नुभएका थुप्रै अग्रणी संस्था विद्वान प्रतिभाहरू छन् जुन देशका जुझो इतिहासको समेत जुझोद्वारा समेत हुन्। उहाँहरूको रक्षार्थ स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल सरकारले पहिलो कदमहरू अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। विभिन्न राष्ट्रहरूमा नेपालको सांस्कृतिक विकासका लागि सांस्कृतिक सद्भाव दूतको व्यवस्था गरेमा र नेपाली संस्कृति कर्मी कलाकर्मी तथा प्राज्ञहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने राजकीय भ्रमणहरूमा समावेश गरेमा देशको सांस्कृतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। नेपालका सङ्गीत तथा नाट्य विधाके संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्वाक उद्देश्यक सङ्घ 2067 वैशाख 10 गते नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानके गठन भेल छल। धनुषाक जनकपुर स्थित बस पार्क नजिक ट्रिपर के ठोकर से गोटे के मृत्यु भेल छ। दुर्घटना पर महोतरी मटिहानी वार्ड नंबर 3 के पप्पू महतो के मृत्यु भेल छ। आई बस पार्क लग 2353 नंबर के ट्रिपर महतो के ठोकर देने छल। पुलिस ट्रिपर के चालक प्रमोद यादव के अपने नियंत्रण में ल चुकल। अहिबीच मोरंगे कमतुकदमाहा स्थित रंगेली विराटनगर सड़क खंड में बीतल रात स्कूटर और मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल त चार गोटे घायल भेल। विराटनगर दिस जा रहल को 22P1893 नंबर के स्कूटर आ विपरीत दिशा से जा रहल भारतीय नंबर के मोटरसाइकिल कदमाह 2 में एक आपस में ठोकरेला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना पेड़ का भारतीय मोटरसाइकिल चालक कदमाह 6 के 28 वर्षक धीरेन्द्र कामत के मृत्यु भेल। तीन गोटे सवार मोटरसाइकिल के पासू बैसल खदमाह 6 के 30 वर्षक भागलो मंडल दादर बेड़िया 3 के 15 वर्षक अंजना कामत स्कूटर चालक छोड़ा भाग 8 के 50 वर्षक रामदेव मंडल आ पाछू सवार हुनक बेटा 17 वर्षक आस्कर मंडल घायल भेल। घायल सबके विराटनगर के गोल्डन अस्पताल में इलाज भ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली के प्रहरी निरीक्षक अभिचंद्र रिजाल जानकारी देने। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर प्रकाश रण महत नेपाल के संविधान सह पक्ष के भावना के संबोधन केने बतौलने। संयुक्त राष्ट्र संघ के 71 महासभा के नेपाली प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में संबोधन करते परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर महत शांति प्रक्रिया के प्रमुख हिस्सा के रूप में संविधान सभा से संविधान जारी होब के आ वही में सब पक्ष के भावना समेट के उल्लेखनीय रहल बतौलन। मंत्री महत संविधान में असंतुष्टि व्यक्त करते आयल दल तथा समूह के सेहो वार्ता संवाद मार्फत सहमति मिलावत सरकार क्रियाशील रहल स्पष्ट केने छल। नेपाल के संविधान समावेशी समानतामूलक एवं लोकतांत्रिक रहल कहत ओ राज्य के 3 महत्वपूर्ण निकाय में महिला के नेतृत्व रहल विश्व में उदाहरण रहल बतौलन। नेपाल मानवाधिकार के सम्मान आ ऐक्यपूर्ण परिपालनाक लेल पूर्ण रूप में क्रियाशील रहल उल्लेख करैत मंत्री डॉक्टर महत सत्यनिरूपण तथा मेल मिलाप आयोग अभिपता नागरिक खोजबीन आयोग मार्फत द्वंद काल के मुद्दा में छानबीन तथा अध्ययन शुरू कयल गेल हुनक कहब छल। सोलुखुम्बु के जुमिंग में माउंटेन एयर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त भेल। इंजन फेल भेलाक बाद आकस्मिक अवतरण करबाक क्रम में विमान दुर्घटना में पड़ल। दुर्घटना से हेलीकॉप्टर के नोज में क्षति पहुंचल। सोलुखुम्बु प्रहरी पायलट आ यात्रु सब सकुशल रहल जनौलक। माउंटेन एयर के अनुसार हेलीकॉप्टर लुकला से रोगी लेब जुमिंग गेल छल आ काठमांडू आब के योजना छल मुदा अवतरण के क्रम में किछु समस्या देखल गेल। एखन हेलीकॉप्टर रोगी लग लुकला घोड़ल काल मात्र यति एयरलाइंस के विमान भेड़ावा विमानस्थल में अवतरण के क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल।
नेपाली कंग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष यथाशीघ्र पार्टी केन्द्रीय कमिटी समिति के बैसार बजाब के मांग कलने पौडेल के संपर्क कार्यदल अनाम नगर में रवि दिन बैसल किछ पदाधिकारी आ केन्द्रीय सदस्य के बैसार संविधान संशोधन स्थानीय संरचना आ संरचना सरकार संचालन में पार्टी के धारणा बनाब केन्द्रीय समिति बैसार बजाब के मांग कल दल नेता जीवन फड़ियार जानकारी दिलन बैसार में आसन्न तरुण दल के महाधिवेशन आ पार्टी से प्रतिनिधित्व हेत राज्य मंत्री कृष्ण रोटे लगात समसमायिक विषय में सेहो छलफल भेल पूछल गेल अछि। बैसार में अधिकांश सदस्य तरुण दल के महाधिवेशन नेवी संघ आ नेपाल महिला संघ के महाधिवेशन जका कर नहीं हेत बतबैत महाधिवेशन के एक हफ्ता से सब प्रतिनिधि के निष्कर्ष लगा के मात्र करे पड़त सुझाव देने छल। अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति शनि दिन विभिन्न शिक्षक फ्रंट के कार्यालय सब में तालाबंदी कलक अच्छ। लक्ष्मीचंदी मुरारी का उच्च माध्यमिक विद्यालय के मूल गेट से निकलल रैली नगर पालिका में करत जिला शिक्षा कार्यालय के मूल गेट में अस्थायी शिक्षक वितरण संकलन फारम चढ़वत नेपाल शिक्षक संघ नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन आ अखिल नेपाल शिक्षक संगठन के कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कलक अच्छ। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राधेश्याम झा के नेतृत्व में निकलल रैली और तालाबंदी कने छल। अस्थायी शिक्षक के मांग संबंध में प्रधानमंत्री जायज मांग पूरा करवाक प्रतिबद्धता जनौने तथा सर्वोच्च अदालत सेहो शिक्षा सातम संशोधन ऐन के कार्यान्वयन करब बेर बेर आदेश देलाक बाद शिक्षा मंत्रालय ओ कार्यान्वयन कर नहीं सकल अध्यक्ष राधेश्याम झा बतौने छलथि। संगे अस्थायी शिक्षक विवरण संकलन फारम के नामे अस्थायी शिक्षक सब संगे दृष्टिबंधक कराब के झाल झेल रहल कागजात जराब लागल में ओ के अस्थायी शिक्षक सब विरोध सुनवाइत आयल अछि। विभिन्न शिक्षक फ्रंट सब सेहो अपन अपन स्वार्थ सिद्धि के लेल अपने सबक मांग संबोधन में असहयोग कर रहल कहैत अनिश्चितकालीन तालाबंदी करय पड़त अध्यक्ष झा बतौने छथि। माले जाति उत्थान मंच महोत्तरी के नया कार्य समिति से दिन गठन भेल अछि। मंच केन्द्रीय अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद मालिक के प्रमुख आतिथ्य में सम्पन्न जिला स्तरीय भेला में उक्त समिति गठन कयल गेल अछि। चयनित नया कार्य समिति के अध्यक्ष में राजकिशोर भंडारी उपाध्यक्ष राम विनोद भंडारी आ सचिव में पत्रकार रंजन भंडारी सर्वसम्मति से चुनाव छथि तो कोषाध्यक्ष में अंबिका भंडारी आ सह सचिव में सुनील भंडारी के सर्वसम्मति से चयन कयल गेल अछि। बाल विवाह न्यूनीकरण के लिए सनकपुर में किशोरी आ धर्मगुरु बीच छलफल भेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ पारि कऽ बाल विवाह न्यूनीकरण के लेल सनकपुर में निरन नेपाल नामक संस्था ओतुका धर्मगुरु आ किशोरी सब संगे अंतर्क्रिया कार्यक्रम करौलक अछि। एहिसँ पहिने संस्था सनकपुर के हिंदू इस्लाम सहितक धर्मगुरु के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेहो देने छल। जाहिमे विवाह न्यूनीकरण के लेल धर्मगुरु सब निर्वाह कर सकबाक भूमिका के विषय में प्रशिक्षण देल गेल छल। किशोरी बहिनीहरूलाई चाहिँ विषय के छ भने हाम्रा भर्खरका किशोर किशोरीहरूप्रति चाहिँ धर्मले गर्दाखेरि नै सामाजिक विकृति बाल विवाह हुने गरेको रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई जुन छ जुन एउटा अनभिज्ञ छ त्यो अनभिज्ञतालाई चाहिँ हामी अज्ञानतालाई हटाउनलाई चाहिँ धर्मगुरु र मिडियालाई पनि गऱ्यौँ किन मिडिया भनेको तेस्रो आँखा हो। धर्मगुरुले यस्ता राम्रा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राम्रो कामहरूलाई मिडिया मार्फत हाम्रा गाउँ गाउँ समाज समाज र व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याएर धर्मगुरुले साँच्चीकै सामाजिक विकृति र बाल विवाह अन्त्य गर्न ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि प्रत्येक जिल्लामा अन्तर धार्मिक सञ्जाल गठन गर्नका अभियान स्वरूप निरन नेपाल यी अभियान चलाउने अछि। एहिको लागि जनकपुरमै मोहन उपाध्यायकी अध्यक्षतामा विभिन्न धर्मगुरु सब सहभागितामा सञ्जालको 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सेहो गठन कलक अछि। जाहिमे उपाध्यक्ष में मोहम्मद इजरायल रिजवी कोषाध्यक्ष में इंदु नेपाल आ सचिव में सरोज मल्लिक रहल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज सिरियाक मुख्य शहर एलेप्पो में भेल हवाक्रमण के कारण लगभग 20 लाख व्यक्ति पानि से वंचित भेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनिसेफक अनुसार एलेप्पो के पूर्वी आ पश्चिमी क्षेत्र में पानी आपूर्ति बंद भेल अछि। यूनिसेफ पानी के आपूर्ति बंद भेला से एलेप्पो के वासी सब गंदा पानी पीबा बाध्य भेला से महामारी फैल सकबाक खतरा सेहो रहल जनौने अछि। सीरिया में सरकारी आ विद्रोही पक्ष एक दोसर पर नुकसान पहुँचाब लेल
पानी के मुख्य हथियार वन विद्यालय युद्ध विराम अंत्य संगे बीतल सोम दिन से सीरिया में फिर से हिंसात्मक आक्रमण शुरू युद्ध विराम फिर लागू करवाक विषय में अमेरिका आ रूस बीच भेल वार्ता में सहमति जुट नहीं सकल रूस राष्ट्रपति बशर अल असद के संग देल तो अमेरिका राष्ट्रपति के विरोध में रहल विपक्षी के सहयोग कर दल रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव सीरिया द्वंद्व समाधान के लिए अमेरिका आ रूस बीच सहमति आवश्यक रहल आ सहमति में युद्ध विराम करवाक विकल्प नहीं रहल बतौने बेस तो अपने जखन के लिए एतबे पल पल खबर देश नजर देखते रहो अपन टीवी नमस्कार।